आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में विविधीकरण के साथ दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश इस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है। दलहन और तिलहन फसलों का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष तुअर, उड़द, मूंग सहित अन्य फसलों का क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई संभावित है। बता दें कि पिछले 4 साल में तुअर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वहीं सोयाबीन का क्षेत्र घटा है। इसकी जगह अब किसान धान की फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं। मूंगफली, अलसी और सरसों का क्षेत्र भी बढ़ा है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस वर्ष तुअर का क्षेत्र 4,43,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 2,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में तुअर की बुआई हुई थी। इसी तरह उड़द 15,97,000 और मूंग की बुआई का लक्ष्य 1,65,000 क्षेत्र निर्धारित किया गया है। मक्का का लक्ष्य 14.16 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 15,04,000 हेक्टेयर रखा गया है। मूंगफली के लिए 4,58,000 और तिल की बुआई के लिए 6,73,000 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है। उधर सोयाबीन की फसल में पिछले कुछ सालों से किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए क्षेत्र घटने की संभावना है। इसे देखते हुए बुआई का लक्ष्य भी 55,31,000 की जगह 51,72,000 हेक्टेयर रखा गया है। सरकार ने इस वर्ष धान की बुआई के लिए 34,71,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील की है कि किसान एक तरह की फसल लेने की जगह विकल्प के तौर पर दूसरी फसल लें। उन्होंने कहा कि किसान हित में कृषि संचालनालय में प्रकोष्ठ गठित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।